नमस्कार दोस्तों, SBI सिक्योरिटीज मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर बात करेंगे। साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए उस पर भी हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर निफ्टी को देखें तो लगातार 7वें सप्ताह बेंचमार्क इंडेक्स जो है पॉजिटिव नोट पर समाप्त हुआ। इसने सप्ताह के दौरान 24854 का एक नया ऑल टाइम हाई रजिस्टर किया। हालांकि फ्राइडे को ये अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर टिकने में विफल रहा और 250 अंकों से अधिक अंकों की यहाँ पे एक मुनाफा वसूली हमको देखने को मिली। इसके परिणाम स्वरूप दैनिक पैमाने पर एक बेयरिश एंगलफिंग पैटर्न जो है बन गया है। बेयरिश एंगलफिंग पैटर्न एक बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो आमतौर पर एक अपट्रेंड के अंत में होता है। इसके अतिरिक्त साप्ताहिक पैमाने पर इसने शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है जो हायर लेवल्स पे मुनाफा वसूली का भी संकेत देता है। इसके अलावा दैनिक RSI ने ओवरबॉट जोन को छू जाने के बाद एक बेयरिश क्रॉसओवर दिया है। ये दो तकनीकी संरचनाएं स्पष्ट रूप से अल्पावधि में सीमित उछाल का संकेत देती है। निफ्टी के स्तरों की बात करें तो 20 EMA जोन 24250 24200 के सपोर्ट के रूप में कार्य करने की एक संभावना है। 24200 के नीचे अगर इंडेक्स टिकता है तो यहाँ 23900 भी हमको दिख सकता है। ऊपर की ओर 24850 24900 इंडेक्स के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट हर्डल बन के उभर रहा है। बैंक निफ्टी पे देखें तो पिछले 9 ट्रेडिंग सेशंस में बेंचमार्क इंडेक्स बैंकिंग का यानी बैंक निफ्टी 52818 51749 इस जोन के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। इस चरण के दौरान इसमें फ्रंटलाइन इंडेक्स से अगर हम देखें तो एक बहुत ही कम बेहतर प्रदर्शन किया है, यानी रिलेटिवली उसने अंडर परफॉर्मेंस ही दिखाया है। निफ्टी की तुलना में बैंक निफ्टी का अनुपात चार्ट 39 डेज के निचले स्तर पर है जो स्पष्ट रूप से खराब प्रदर्शन को दर्शा रहा है। कंसोलिडेशन के कारण बॉलिंगर बैंड दैनिक पैमाने पर काफ़ी ज़्यादा स्क्वीज हो गया है और तकनीकी भाषा में इसे बॉलिंगर बैंड स्क्वीज के रूप में जाना जाता है। यह तब होता है जब अस्थिरता कम स्तर पर गिरती है और बैंड संकीर्ण हो जाता है। अस्थिरता या बैंड का संकीर्ण होना एक महत्वपूर्ण बढ़त या गिरावट यानी एक बड़े मूव के पहले का एक हमको इंडिकेशन देता है। इसलिए आने वाले कुछ ट्रेडिंग सत्रों में हम एक बड़ा ट्रेडिंग मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए 51900 51800 ये जो जोन है सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा और 51800 के अगर नीचे जाता है इंडेक्स तो अगला सपोर्ट जो है 51200 के लेवल पे रखा हुआ है। वहीं ऊपर की ओर 52700 52800 ये एक रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट करेगा। उसके ऊपर अगर टिकता है तो हमको 53400 के लेवल भी देख सकते हैं। इंडाइसिस की बात करें तो निफ्टी मिड कैप ने बुधवार को 57909 का एक हाई रजिस्टर किया और उसके बाद 3% से अधिक की तेज़ मुनाफा वसूली यहाँ देखने को मिली। साप्ताहिक पैमाने पर अगर हम देखें तो इसने एक बड़ी जो है बेयरिश कैंडल बनाई है और इस गिरावट के साथ इंडाइसिस जो है 29 सेशन के बाद पहली बार अपने 20 EMA के नीचे फिसल गया है। दैनिक RSI और स्टॉकेस्टिक ने मंदी का क्रॉसओवर दिया है और वो दोनों गिरावट के मोड में है। आगे बढ़ते हुए 55500 के स्तर के नीचे कोई भी चाल जो है निफ्टी मिड कैप 100 में आगे की बिक्री के दबाव को जन्म देगी। उस स्थिति में अगला जो सपोर्ट है फ्रेंड्स 54700 54600 के लेवल पे प्लेस्ड है। वहीं ऊपर की तरफ 56400 56500 ये एक रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करेगा। स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में अभी तक के उच्चतम स्तरों से मुनाफा वसूली देखी गई है और ये अपने 20 EMA लेवल के नीचे फिसल गया है। दैनिक RSI ने मंदी का क्रॉसओवर निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में दिया और ये गिरावट के मोड पे नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हुए 18150 18100 ये जो जोन है स्मॉल कैप 100 इंडेक्स के लिए सपोर्ट के रूप में एक्ट करेगा। 18100 के नीचे कोई भी स्थायी चाल यहाँ पे 17800 के लेवल तक एक प्रेशर को जन्म दे सकती है। वहीं ऊपर की ओर 18800 18850 जो है एक रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट करेगा। फ्रेंड्स, अगर हम सेक्टर्स को देखें तो तकनीकी दृष्टिकोण से निफ्टी IT और निफ्टी FMCG मजबूत दिखाई दे रहे हैं। बजट के आसपास संभावित अस्थिरता को देखते हुए महत्वपूर्ण नुकसान को कम करने के लिए इन सेक्टर्स में निवेश करना उचित भी रहता है क्योंकि ये डिफेंसिव माने जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ निफ्टी मेटल और मीडिया चार्ट पर काफ़ी ज़्यादा रिलेटिवली अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज के पॉडकास्ट के लिए बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.